उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस मुकदमा लिखने के बाद पीड़िता को लेकर मेडिकल कराने जिला अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टर ही नहीं मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद पीड़िता और उसके परिजनों को वापस 70 किलोमीटर दूर अपने घर लौट जाना पड़ा। पीड़िता के परिजन और पुलिस देर रात तक भटकते रहे, लेकिन महिला जिला अस्पताल में कोई सुनने वाला नहीं मिला। अब शनिवार को पीड़िता का मेडिकल कराए जाने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक थाना सुरीर के गांव भदनवारा रोड पर दादी के साथ चारा लेने गई किशोरी को एक नामजद और दो अज्ञात युवकों ने खेत की मेड़ पर सरेआम दोपहर 2 बजे उठा लिया और गैंग रेप के बाद शाम 5 बजे के लगभग छोड़ दिया। परिजनों ने जब खोजबीन की तो आरोपी तो नहीं मिले, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल जरूर हत्थे चढ़ गई। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने भदनवारा गांव के रहने वाले पवन और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़िता के दादा ने बताया कि वो 70 किलोमीटर दूर से आए हैं और यहां पर डॉक्टर नहीं है और मेडिकल होना जरूरी है। अब हम क्या करेंगे, रात में कहां रुकेंगे। उन्होंने मायूस होकर कहा कि मजबूरन उन्हें फिर 70 किलोमीटर दूर वापस लौटना पड़ रहा है। क्या करें जब डॉक्टर साहब नहीं है, वापस जाना ही पड़ेगा, यहां कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपियों की मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, लेकिन आरोपी अभी फरार है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। डिप्टी SP मांट आलोक दुबे ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने फौरन पीड़िता को मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल भेजा है, लेकिन रात में कोई डॉक्टर ना होने की वजह से उसका मेडिकल शनिवार को होगा। आलोक दुबे ने कहा कि पीड़िता की तहरीर पर थाना सुरीर में एक नामजद और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम दबिश दे रही है, जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मथुरा से संवाददाता जाहिद सैयद की रिपोर्ट। मेरी लड़की चारा लेने गई अपनी माँ के साथ जी, और लड़की एक मेड़ पर लग रही थी ले रही थी और एक मेड़ पर मेरी माँ लग रही थी जी, और तुरंत दो आदमी आए, तुरंत बच्ची को उठा ले गए, तुरंत उन्होंने मुंह पे लगा लिया डाटा जी, बच्चों को ले गए वहाँ से। बच्चों को 2 बजे से मतलब उठाया गया तो वो हमको 5 बजे मिला बच्चा जी। उस जगह उसकी एक मोटरसाइकिल भी मिली है। तो क्या हुआ है बेटी के साथ, क्या घटना? दुष्कर्म हुआ है, बच्ची को पूछा है मैंने। कितने लोग थे इसमें शामिल? 3 लोग थे। तो किसी का नाम पता लग पाया? हाँ, एक का नाम पता लगा है, पवन। कहाँ का रहने वाला है? गांव भदनवाला। अन्य दो अन्य जो लोग हैं उनका कुछ पता लगा? अभी नहीं उनका पता, पर उसी के साथ ही होंगे वो। उसी के साथ ही हैं। तो अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई क्या की जा रही है पुलिस के द्वारा? अब तक पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट लिख के दे दी है मैंने। पता कब लगा आपको कि बेटी गायब है आपकी? जब तुरंत ही। फिर आपने ढूंढने का प्रयास किया? हाँ, तुरंत ढूंढ रहे, चारों तरफ ढूंढ लिया मैंने। पुलिस को सूचना दी कि बेटी गायब हो गई है कहीं? ना, तुरंत ढूंढो तो पहुँचे मैं ही थिया जी। जब तुरंत मिली है, जब उसी का फोन आया है जी, मेरे पास आया उसका फोन, कैसे तुम कौन देख रहे हो, एक तुम्हारी लाली है जी जा रही है घर से, ऐसे रूठ के आ गई फलानो जो कहे लग रहे वो। फिर कैसे पता लगा कि? अरे फिर तुरंत मालूम भाई, कही है कि लड़की है तो कहा तुम आइए जी आ रही है। इसमें एक बच्ची है जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है। उसने ये बताया कि वो अपनी दादी के साथ चारा काटने के लिए गई थी, तभी 3 व्यक्ति जिनमें से एक को वो जानती है और दो को वो नहीं जानती है उसको ले गए और उसके साथ उन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म किया है। इस संदर्भ में उसके बच्ची के पिताजी की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और अपराधियों की जो इसमें अभियुक्त हैं उनको पकड़ने के लिए, गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है और बहुत ही जल्दी जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और विधिक कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।